हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही फ्रेश वीडियो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप अपने अनचाहे बालों से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, तो उसी से रिलेटिव आज का ये वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ और जानिए कि आप किस तरह से अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल फेक वीडियो नहीं है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे किस तरह से बनाना है और अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक चम्मच मैदा। दोस्तों मैदे के बाद आपको इसमें दूसरी चीज जो ऐड करनी है वो है दोस्तों एक चम्मच चीनी। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें लेना है कोलगेट। दोस्तों कोलगेट की मात्रा आपको इसमें ऐड करनी है आधा चम्मच। दोस्तों इस तरह से आधा चम्मच, तो दोस्तों इस तरह से आधा चम्मच आपको कोलगेट लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें लेना है आधा नींबू का रस। तो दोस्तों आधे नींबू को काटकर आधे नींबू का रस हम भी इसमें ऐड करते हैं। तो दोस्तों आधे नींबू का रस हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों इसके अंदर हमने मैदे का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैदे में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी स्किन को फेयर करने के साथ साथ हमारे अनचाहे बालों को भी हटाने में मदद करती है। इसके बाद दोस्तों हमने इसमें चीनी को ऐड किया है क्योंकि चीनी सूखने के बाद हमारे बालों की जड़ों को कमजोर करती है और इससे हमारे बालों में तनाव आता है और तनाव आने के बाद हमारे बाल झड़ने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने इसमें कोलगेट को ऐड किया है क्योंकि अनचाहे बाल रिमूव होने के बाद हमारी स्किन पर जो कालेपन दिखाई देता है उसको कोलगेट रिमूव कर देता है। इसके बाद दोस्तों हमने इसमें नींबू को ऐड किया है क्योंकि नींबू एक अच्छा एंटीसेप्टिक है। दोस्तों नींबू का रस हमारे शरीर के उन जगहों को बहुत जल्दी भरने का काम करता है जहाँ से हमारे अनचाहे बाल रिमूव हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स होने के बाद आपको इसे अप्लाई किस तरह करना है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों इसको अप्लाई करने से पहले जहाँ पर आपके अनचाहे बाल हैं, यदि वो बड़े हैं तो आप उन्हें काट कर छोटा कर लें और उसके बाद आप इसको उंगलियों की सहायता से इस तरह से लें और अपने अनचाहे बालों पर इस तरह से अप्लाई करें। दोस्तों इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसे बालों की अपोजिट साइड में मसल हुए इसको उतार देना, यानी आपको इस तरह से बालों की अपोजिट साइड में बाल रिमूव होना शुरू हो गए हैं। और वहाँ की स्किन भी ग्लोइंग नजर आने लगी क्योंकि दोस्तों अनचाहे बाल रिमूव होने के बाद हमारी स्किन पर एक ताजापन दिखाई देने लगेगा। यदि आपके चेहरे पर या कहीं पर भी अनचाहे बाल हैं तो आप इसको वहाँ पर अप्लाई करें और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें और जब यह थोड़ा सा सूख जाए तो आप इसको बालों की अपोजिट साइड में मसाज करते हुए उतारना शुरू कर दें, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपके अनचाहे बाल झड़ने शुरू हो गए हैं और आपकी स्किन का रंग भी निखरना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का नुस्खा, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई राय या सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें और फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स तो आप हमारे इस नुस्खे को एक बार जरूर ट्राई करके देखें। धन्यवाद।